ये मैंने मूंग लिया है 100 ग्राम के करीब है, और इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे पानी में, 2-3 बार वॉश कर लेंगे। और ये वाला जो है पैकेट वाला लिया था मैंने, तो इसमें कुछ मिट्टी वगैरह था नहीं, तो ऐसे मैं पानी से उसको अच्छे से धो लूँगी, फिर उसको पानी में रख लूँगी। करीब 4 गुना पानी दूँगी, इसमें 100 ग्राम का मूंग लिया है तो 400 ग्राम का पानी देके उसको ढक्कन देके रख लूँगी 12 घंटे तक। रात को 10 बजे मैंने भिगा के रखा है, और सुबह 10 बजे 11 बजे तक उसको ऐसे ही रखूँगी। और देखिए सुबह मैं दिखा रही हूँ आपको पानी कितना रहा है, अभी ये सारा सोख कर लिया है, थोड़ा थोड़ा जो पानी बचा है इसको अच्छे से हम एक बर्तन लेंगे तो उसमें रख के फिर पानी निकाल लेंगे अच्छे से। हाँ, वो थोड़ा इजी होता है। देखिए इस तरह का बर्तन लिया है मैंने, और उसको 2-3 बार वापस से धो लेंगे ताकि इसका जो स्मेल रहता है ना वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, वो तो स्मेल निकल जाएगा, पानी से वॉश कर लेंगे। और थोड़ा सा मैंने ये टिफ़िन बॉक्स में रखा है, 2 प्रोसेस में बता रही हूँ आपको। ये टिफ़िन बॉक्स में रख के मैं टिफ़िन का ढक्कन दे दूँगी उसको, पानी उसका निचोड़ा नहीं मैंने, जस्ट वो बर्तन से निकाल के थोड़ा सा ये टिफ़िन में रख रही हूँ मैं, उसको मैं 12 घंटे तक ऐसे रखूँगी। और बाकी का जो बचा हुआ मूंग था उसको वैसे ही वो बर्तन में रखा हुआ है मैंने, मैं वो दूसरा प्रोसेस में आपको मैं आगे बताऊँगी। अभी ये 12 घंटे के बाद देखिए ये मूंग का थोड़ा थोड़ा ऐसे निकला है स्प्राउट्स, ये बहुत ही कम निकलता है, छोटा छोटा निकला है स्प्राउट्स, उसको वापस रखेंगे हम सुबह तक, मतलब 24 घंटा हो गया। और होने के बाद अभी देखिए और थोड़ा सा बड़ा हुआ है जो स्प्राउट्स है, लेकिन इतना अच्छा नहीं निकला है। ये एक प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस में मैंने क्या किया ना, उसको रखा था 7-8 घंटे तक, वो जो बर्तन में रखा था ना उसको 7-8 घंटा रखने के बाद मूंग को मैंने ये वाले बर्तन में ट्रांसफ़र किया है, और इसमें ढक्कन रख के 12 घंटे तक रखा था। अभी देखिए कितना बड़ा बड़ा स्प्राउट्स निकला है, इसको आप अच्छे से सैलड्स वगैरह बना के खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं, बहुत इसमें प्रोटीन रहता है, फाइबर रहता है, आप अच्छे से सुबह का नाश्ता के टाइम में इसको खा सकते हैं।